यूपी के रामपुर में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर कोसा, साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर विशेष अभियान चलाने की बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डालने की कोशिशें शुरू कर दी है। शनिवार से पूरे प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद करने के उद्देश्य से कांग्रेसी किसान जन जागरण अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। उनका यह किसान जन जागरण अभियान 40 दिन तक चलेगा। इस अभियान में शामिल कांग्रेस की पूर्व सांसद बेगम नूर बानो और बरेली के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह गंगवार ने रामपुर में कांग्रेस जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर किसानों की समस्याओं के बारे में बताया। कांग्रेसी नेता व पूर्व सांसद बेगम नूर बानो ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए इस जन जागरण की अभियान की शुरुआत की जा रही है। देश का किसान भुखमरी की कगार पर है। कर्ज की वजह से आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके बावजूद उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर इस जन जागरण अभियान की शुरुआत की है, जिससे किसानों की समस्याओं को लेकर आगे सरकार से उनका हक दिलवाया जाए। वहीं कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि मोदी और योगी सरकार ने गाय के नाम पर पूरे देश और प्रदेश को गुमराह किया है। इस सरकार में गाय की दुर्दशा किसी काले पानी की सजा से कम नहीं है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। भेजा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को। किसके नेतृत्व में, कौन नेतृत्व कर रहा है? नेतृत्व तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय सोनिया गांधी का निर्देशन है, प्रियंका जी का निर्देशन है और प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी का निर्देशन में हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। जैसा कि आप सब विदित है कि योगी और मोदी की सरकार, दोनों सरकारें प्रदेश में योगी जी हैं, देश में मोदी जी हैं, दोनों की सरकार है। दोनों ने किसान मजदूर से वायदे तो बड़े लुभाने किए हैं, किसान को कुछ दे नहीं पाए। किसान की बात, किसान आंदोलन शुरू कराए, किसान का 4 साल का गन्ने का बकाया भी चल रहा है। पिछले 16, 17, 18, 19 और 19-20 चारों साल का करीब करीब ये 62,000 करोड़ रुपया भी बकाया चल रहा है। 62,667 करोड़ रुपया किसान का भी बकाया चल रहा है 4 साल का। ये पहली सरकार है जिसमें 4 साल तक के किसान के गन्ने का पेमेंट मिल रहा है और इस सरकार ने गन्ने पर एक भी पैसा नहीं बढ़ाया, गन्ने की कीमत में एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। योगी जी वायदा कर देते हैं गेहूं का भाव 1835 देंगे, लेकिन जब किसान के गन्ना गेहूं खरीदने का नंबर आता है तो किसान का गेहूं 1500-1400 रुपए में बिचौलियों को भाव मिलता है। धान की बात अभी आई, धान का भाव 1800 कुछ रुपए घोषित किया, बड़ा अच्छा लगा, किसान खुश हो गया कि साहब योगी जी हमारा धान खरीद लेंगे, लेकिन जब खरीदने की बात आई तो किसान का धान 1200-1400 रुपए में लुट गया, किसान लुट गया। किसान इस प्रदेश में 85% छोटे किसान है जिनकी जोत एक एकड़, एक हेक्टर या 2 हेक्टर है। 85% छोटे किसान है जिनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और सबसे ज्यादा बच्चे जो है 85% जब किसान है, सबसे ज्यादा किसान है इस देश में, उनके भी जो बच्चे हैं बेचारे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, पैसे ही टाइम से नहीं मिल, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं सब। और जब नोटबंदी हुई तब किसानों ने बहुत आत्महत्याएं की, तब से लगातार किसान इस सरकार दोनों सरकारों परेशान होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसी को सोच के कांग्रेस ने ये जन आंदोलन शुरू करा है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के पास जाएं, पहले गाँव में जाएं, फिर ब्लॉक स्तर पर होगा, फिर तहसील स्तर पर ये धरना होगा, उसके बाद जिला मुख्यालय पर होगा, उसके बाद प्रदेश मुख्यालय पर ये धरना होगा और किसानों की हम समस्याओं से हम कांग्रेस जन लड़ेंगे और उनको हर संभव मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। किसान मांग पत्र भी भरवाया जाएगा जिस पर अगर ये सरकार मानती है तो मानती है, नहीं मानती है तो हम लोग किसानों से वायदा करेंगे कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम उनकी सभी मांगे पूरी करेंगे और उन्हें जो लाभकारी मूल्य हो सकता है वो देंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान शुरू किया है किसानों की समस्या को लेकर,
और उसके लिए उन्होंने अपने भी बनाए हैं एक वो जो डिटेल में बताएंगे और जो जो करेंगे। लेकिन हम लोगों को जब हम हैं यहाँ पर अपने अपनी जगह अपने अपने आसपास अपने ज़िले में हर आदमी हम में से जो पार्टी का है हम लोग जा रहे हैं, हमने तय किया ये हमने प्रोग्राम बनाया कि किसानों के जाके खुद मिलेंगे और उनकी समस्या को हम ऊपर तक ले जाने की कोशिश करेंगे अपनी पार्टी के थ्रू उनके उनसे कहकर फिर वो आगे को तो उनकी मदद फौरन अभी और इसी वक्त उनको अभी से शुरू करके उनकी मदद होनी चाहिए नहीं तो और जाने जाएंगी और परेशानियाँ। बेगम साहब किसान अभियान का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? उनका यही रहेगा कि उनके उनके लिए जो उनको ऐसी पॉलिसी बनाई जाए क्योंकि अब जो बजट आया है उस बजट के अंदर किसान के लिए कोई चीज़ नहीं है और जो उनके बाल बच्चे कोई बाहर भी काम करते थे तो रोज़गार नहीं है, दोनों चीज़ें जो बहुत बेहद नहायत ज़रूरी थी इन लोगों के लिए इनके लिए सभी के लिए थी। रोज़गार का मुद्दा ऐसा है उसको बहुत संगीन है क्योंकि और ये भी हुआ है लोगों ने काफ़ी हद तक लोगों ने जो अभी तक अपने बच्चों को उन्होंने पहली दफ़ा भेजा पढ़ने के लिए पढ़ा रहे हैं उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच के उनको कर्जा लेके उनको पढ़ाया है, अब पढ़ लिख के जब वो अब चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले तो कोई उनके लिए नौकरी नहीं है तो ना तो रोज़गार है ना तो नौजवान को रोज़गार मिल रहा है और ना ही किसान को जो जिनकी ज़मीनें जो घर में रह के करना चाहते हैं ना उनको वो मदद मिल रही है, फसलें सब ख़त्म हो चुकी हैं जो कि कुदरत के हाथ में है वो हो ही रहा है तो ये कोई इस बजट के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे कि इन दोनों चीज़ों में राहत मिल सके। केंद्र में और राज्य में जो है बीजेपी की जो है सरकार है उन्होंने जो है किसानों के हितों में बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं के बारे में आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कोई सामने हम लोगों को कोई सामने नहीं आई है, सब जो भी उन्होंने चलाई है वो कहाँ पे है कौन कर रहा है किसने ऑर्गेनाइज हमें कुछ मालूम नहीं है यहाँ मुझको मैं अपने ही नहीं कर रही हूँ जितनी जनता जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ किसानों में जहाँ जहाँ लोगों में दो तरह की बात है कि हमारा फसल ख़त्म हो गई हमारा कोई पूछने वाला नहीं है हम जा रहे हैं हम कर्जदार हो गए तो अलावा जान देने के उनके पास कोई चारा नहीं है और इधर नौजवान है जो दर दर ठोकरे खा रहा है कि हमें रोज़गार मिल जाए तो रोज़गार नहीं है। कब तक ये अभियान चलेगा मैम? चलेगा अभी तो चलेगा 40 दिन का है। कब से शुरुआत होगी? शुरुआत आज से ही शुरुआत है, आज 8 तारीख से पूरे प्रदेश में। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।